80 स्टूडेंट आर देयर इन अ क्लास, सो वी आर स्टार्टिंग द क्लास बेटा, ठीक है। तो एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या था, क्या था हमारे पास, एक रिलेशन था पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो पीवी, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। तो पीवी की पावर अगर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, पी वन वी वन की पावर गामा, ठीक है ना, इज इक्वल टू पी टू वी टू की पावर गामा, ठीक है ना, राइट। ठीक है, गामा इज सीपी बाय सीवी, गामा क्या था, सीपी बाय सीवी, दैट इज स्पेसिफिक हीटेड कॉन्स्टेंट प्रेशर डिवाइड बाय स्पेसिफिक हीटेड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। सिमिलरली एक रिलेशन हमने अभी एक और डेवलप किया था साथ में, टी वी की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो हम लिख सकते हैं टी वी वन की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी टू वी टू की पावर गामा माइनस वन। थर्ड जो रिलेशन था वो प्रेशर और टेम्परेचर में था, वो था प्रेशर वन माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो दिस मीन्स वी कैन राइट पी वन वन माइनस गामा इंटू टी वन गामा इक्वल टू पी टू वन माइनस गामा इंटू टी टू की पावर गामा, ठीक है। तो कभी भी अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, कभी भी अगर याद रखेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो हमेशा एडियाबेटिक के लिए गामा यूज होगा, हमेशा क्या यूज होगा, गामा यूज होगा। लेकिन अगर एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्या है, अगर एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज करना है आपको, पीवी की पावर टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट यूज करना है। क्या करना है, पीवी की पावर टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यूज करना है, ठीक है, पीवी की पावर टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट इज फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। और ये किसके लिए है, ये सब रिवर्सिबल के लिए। तो रिवर्सिबल में गामा यूज होगा, इरिवर्सिबल में गामा यूज नहीं होगा। उसका रिलेशन होता है पीवी की पावर टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको क्या कहते थे, व्हाट वी कॉल्ड इट, इसको गैस स्टेट में इसको क्या कहा था हमने, इस इक्वेशन को किसी को याद है, एनीबडी रिमेम्बर दिस इक्वेशन, रोहन को बिल्कुल सही है, रोहन ने इसको बोला था हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट, राइट, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ इरिवर्सिबल में इक्वेशन ऑफ स्टेट यूज करेंगे, पी वन वी वन की पावर अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू की पावर टी टू, ठीक है। और आइसोथर्मल के लिए मैंने क्या बताया था, क्या यूज करेंगे, फॉर व्हाट वी विल यूज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस बच्चों, व्हाट वी विल यूज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या यूज करेंगे, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ का क्या रिलेशन था, क्या था बॉयल्स लॉ का, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्या यूज करेंगे, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यूज करेंगे, राइट, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये मैंने सभी लिख लिए, लिख दिए एडियाबेटिक भी और आइसोथर्मल भी, आइसोथर्मल के लिए हमेशा पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एडियाबेटिक इरिवर्सिबल में पीवी की पावर पीवी बाय टी बाय कॉन्स्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे पीवी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट या टी वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट या पी की पावर वन माइनस गामा सॉरी बच्चो टी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, राइट। अब देखिए क्या है, हमने क्या किया था, हमने कल वर्क डन कैलकुलेट किया था, सॉरी, एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज द वर्क डन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, व्हाट इज द वर्क डन ऑफ एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, क्या था फॉर्मूला, अरे यार पढ़ते नहीं हूँ आप लोग बिल्कुल भी, दो गई, नोट्स बनाते हैं कि नहीं बनाते, मैं यार नोट्स चेक करूंगा, एन सी वी डेल्टा टी, रवि ने बिल्कुल सही बोला है, दैट इज एन सी वी डेल्टा टी एडियाबेटिक प्रोसेस का, राइट। अब देखिए क्या है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू क्या होता है, आर होता है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ सीवी से डिवाइड कर रहा हूँ, तो सीपी अपॉन सीवी माइनस वन इक्वल टू आर अपॉन क्या हो गया, सीवी। अब देखिए ध्यान से, सीपी बाय सीवी को क्या लिख सकते हैं हम, व्हाट वी कैन राइट, सीपी बाय सीवी गामा माइनस वन इज इक्वल टू आर अपॉन सीवी, सो दिस मीन सीवी को क्या लिख सकते हैं, आर अपॉन गामा माइनस वन। तो अगर क्वेश्चन में हमें बच्चों डायरेक्ट सीवी पता है तो वी कैन यूज सीवी, राइट। अगर हमें सीवी नहीं पता है तो उसने गामा गिवन है या गामा इनडायरेक्टली पता है तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे, तो फॉर्मूला ऑफ वर्क डन विल बिकम एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस वन, ठीक है। तो वर्क डन हो जाएगा एन आर टी टू बाय टी वन या टी फाइनल माइनस टी इनिशियल अपॉन गामा माइनस वन हो जाएगा। सो दिस इज वर्क डन, ये भी वर्क डन का फॉर्मूला है एंड दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला ऑफ वर्क डन,
ठीक है राइट। अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है ठीक है ना, वो कैसे देगा, वो आपको अगर फाइनल टेम्परेचर नहीं दे बताता है और फिर भी कहता है कि कैलकुलेट द वर्क डन, तो क्या हम किसी और तरीके से कर सकते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है कि उसने फाइनल टेम्परेचर नहीं गिवन है, फाइनल प्रेशर गिवन है। क्या गिवन है? इंस्टेड ऑफ गिविंग फाइनल टेम्परेचर ही हैज गिवन फाइनल प्रेशर, तो हाउ वी कैन सॉल्व इट, हाउ वी कैन सॉल्व इट, क्या हम वर्क डन कैलकुलेट कर पाएंगे और कर पाएंगे तो कैसे कर पाएंगे? एनीवन? पी की जगह टी लेकर कैसे लेंगे पी की जगह टी? सिद्धार्थ, हाउ वी कैन टेक इट पी की जगह टी, कैसे लेंगे? देखिए बच्चों, अगर आप इंटरेस्ट शो नहीं करोगे ना तो मेरा भी इंटरेस्ट खत्म होता जाएगा, ठीक है ना राइट। आईजीई क्या होता है? आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है ना, बिल्कुल भी आप पढ़ नहीं रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो कि क्या होने वाला है आप लोगों का, ठीक है। क्यों चार्ल्स लॉ यार, अभी मैंने बताया है, क्या मैंने यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर का, यहाँ पे क्या ये प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन है कि नहीं है? क्या ये प्रेशर और टेम्परेचर का, क्यों चार्ल्स लॉ करेंगे? मैंने पहले ही बोला है रिवर्सिबल में हमेशा गामा यूज होगा, तो ये प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन है, तो यहाँ पे क्या होगा, P1 ये ऐसे ही रहेगा P2, तो यहाँ से हम T2 की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते, यहाँ से T2 की वैल्यू, तो T2 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, P1 वन माइनस गामा इंटू T1 की पावर गामा अपॉन P2 की पावर वन माइनस गामा, और ये था T2 की पावर गामा, तो अभी अब ये इधर गामा इधर जाएगा, तो गामा को क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इस गामा को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, व्हाट विल राइट इट, रूट गामा? अरे यार रूट गामा नहीं, वन बाय गामा, भैया मैथ्स पढ़ो थोड़ा सा, ठीक है राइट, वन बाय गामा। तो इसका मतलब क्या हमें T2 मिला कि नहीं मिला, वी हैव गॉट T2 और नॉट? प्लीज हाँ, एडियाबेटिक प्रोसेस में कोई रिवर्सिबल में कोई चार्ल्स लॉ नहीं, कोई बॉयल्स लॉ नहीं, कोई गे लुसेक्स लॉ नहीं, कुछ भी नहीं लगेगा, ये जो रिलेशन बता रखे हैं ये लगेंगे, ये इसीलिए बताया था मैंने आपको, और स्टार्टिंग में ही बताया मैंने अभी आप, ठीक है। सो दिस मींस यहाँ पे टी फाइनल के जगह हम ये क्या पुट कर देंगे, इसको पुट कर देंगे, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, देखिए P1 अपॉन P2 को एक साथ लिख दिया, और ये क्या हो गया, देखिए वन माइनस गामा अपॉन कितना हो गया गामा, तो इंटू T1, अब T1 की पावर क्या था, गामा था, ठीक है ना, यहाँ पे क्या था, T1 की पावर गामा राइट, तो ये सिर्फ वन आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ T1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, T1 आ जाएगा, और ये क्लियर है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया T2, तो इस T2 की वैल्यू पुट कर देंगे, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बच्चों हम लोग, ठीक है। तो वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखिए यहाँ पे, हाँ मैंने यही किया हुआ है, ये तो पहले वाला हमने जो डिराइव किया था वो है एन आर गामा -1 T2 - T1, और ये देखिए फाइनल टेम्परेचर इज नॉट गिवन, मैंने यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है, फाइनल टेम्परेचर वो बहुत बार नहीं देगा आपको, वो फाइनल प्रेशर गिवन होगा, तो ये देखिए ये वही रिलेशन है P1 T1 और P2 T2 गामा वाला, तो यहाँ से हमने T2 की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर ली और T2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो ये T1 और ये T1 पहले से था, T1 हमने कॉमन ले लिया, तो ये बन गया एन आर T1 गामा -1 P1 अपॉन P2 वन माइनस गामा अपॉन आर -1 हो गया, ठीक है राइट। तो अगर क्लियर है, लेट सपोज वो फाइनल वॉल्यूम गिवन होता, अगर वो आपसे यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर ना गिवन होके ना फाइनल प्रेशर देता, फाइनल वॉल्यूम देता, तो क्या हम कैलकुलेट कर सकते थे? If it is final volume is given, can we calculate it? Then which relation we will use it? Then which relation we will use it? कौन सा यहाँ पे first, second और third? यहाँ पे कौन सा relation use करेंगे? First, second और third to calculate T2? Why first?
मैंने बोला है सेकंड यार, वाय फर्स्ट? फर्स्ट क्यों यूज करेंगे यहाँ पे, प्रेशर गिवन है क्या? मैंने बोला है कि आपको टेम्परेचर को रिप्लेस करना है और वॉल्यूम गिवन है, तो T2 यूज करोगे ना, वाई यू विल यूज P1? तो यू विल यूज सेकेंड, क्लियर है? सो प्लीज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी कल भी बोला था आपको, ठीक है ना, कि एडियाबेटिक इज एट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एडियाबेटिक के मिलेंगे, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट वर्क डन। सो ये जो वर्क डन है, दैट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, याद रखेंगे रिवर्सिबल में ही गामा यूज होगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, रिवर्सिबल में ही गामा यूज होगा, इररिवर्सिबल में कोई गामा यूज नहीं होता है, ठीक है? तो देखिए यहाँ इरिवर्सिबल वर्क डन है, ठीक है ना, इरिवर्सिबल वर्क डन हमें हमेशा पता है, वर्क डन इरिवर्सिबल माइनस पी एक्सटर्नल इनटू V2 माइनस V1 ही होता है, ठीक है ना, इसके अलावा कुछ और नहीं होता है। तो अगर फाइनल वॉल्यूम गिवन नहीं है, ठीक है ना, अगर फाइनल वॉल्यूम गिवन है तो वी कैन यूज इट दिस, इफ इट इज फाइनल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज गिवन, देन हमें पता है PV इज इक्वल टू NRT यूज कर सकते हैं, तो V1 के जगह लिखते हैं NRT बाय V1, सॉरी P1, और 2 के जगह में NRT2 अपॉन P2, तो हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, NR दोनों में कॉमन है, NR बाहर आ गया, तो ये हो गया T2 बाय P2 माइनस T1 बाय P1, दिस इज इरिवर्सिबल वर्क डन। एडियाबेटिक क्या है? इरिवर्सिबल वर्क डन है, और मैंने पहले भी बताया आपको, मोस्ट ऑफ द केसेस में पी एक्सटर्नल क्या होता है, फाइनल प्रेशर होता है, तो यहाँ पे जो फाइनल प्रेशर है वो P2 है, इसके जगह मैंने क्या पुट कर दिया, P2 NR T2 बाय P2 माइनस T1 बाय P1। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? ठीक है। आउट ऑफ बच्चों 96 स्टूडेंट आर देयर इन अ क्लास, ना सिर्फ 4-5 बच्चे ही वो करते हैं, क्या कहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बाकी बच्चों को मुझे समझ में नहीं आता कि उनको आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? राइट, ठीक है, राइट। सो दिस इज इरिवर्सिबल वर्क डन, और वो पहले क्या था, रिवर्सिबल वर्क डन था, ठीक है, राइट। अब देखिए यहाँ, अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं एडियाबेटिक और रिवर्सिबल प्रोसेस का, एडियाबेटिक और रिवर्सिबल प्रोसेस का कंपेयर कर रहे हैं हम, तो हम पहले कंपेयर कर रहे हैं एक्सपेंशन को, क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन को। तो आप मुझे बता सकते हैं इसमें से, अगर मैं आपसे पूछूं 1 ईयर फर्स्ट या सेकेंड, तो कौन सा ग्राफ एडियाबेटिक का है, कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल का है? सेकेंड इज ऑफ एडियाबेटिक और फर्स्ट क्या है, आइसोथर्मल है, क्या है, आइसोथर्मल, वेरी गुड, ठीक है, क्या है, फर्स्ट आइसोथर्मल है, सेकेंड एडियाबेटिक है, राइट। याद रखेंगे बच्चों, जो थोड़ा अगर ग्राफ, हाँ, अगर ग्राफ स्टीप होगा, बहुत स्टीप ग्राफ है, सडन मतलब स्टीप स्टीप ग्राफ है, तो जो स्टीप ग्राफ होगा वो एडियाबेटिक का होगा, जो ग्रेजुअल ग्राफ होगा वो आइसोथर्मल का होगा, ठीक है? तो स्टीप अगर कर्व है, ठीक है, इफ द कर्व इज स्टीप देन इट इज एन एडियाबेटिक, और अगर ग्रेजुअल है देन इट इज आइसोथर्मल। क्या मुझे बता सकते हैं कि इसका वर्क डन ज्यादा है इस केस में, एक्सपेंशन के केस में, हुज वर्क डन इज मैक्सिमम? आइसोथर्मल। क्या विद साइन और विदाउट साइन? मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, विदाउट साइन, मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सपेंशन, ये वॉल्यूम V1 था और यहाँ वॉल्यूम V2 है, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, दिस मींस एक्सपेंशन हो रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव, तो हम यहाँ मॉड लगाएंगे, कैन वी यूज मॉड विथ की विदाउट मॉड बच्चों, विथ मॉड और विदाउट मॉड? तो आइसोथर्मल ग्रेटर देन होगा वर्क डन किसका, एडियाबेटिक। सो दिस इज द ग्राफ बच्चों, हाँ ये ग्राफ है एडियाबेटिक और आइसोथर्मल का, क्लियर है बेटा, क्लियर है?
ठीक है, तो यहाँ पे जब भी एक्सपेंशन यूज होगा तो मॉड लगाना है आपको, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। ठीक है, क्या मुझे अब बच्चों ऐसे, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंप्रेशन। तो कंप्रेशन में हमने ये किया और ये किया, याद रखेंगे बच्चों ये जो ग्राफ है ना, वी आर गोइंग टू द सेम वॉल्यूम, हम सेम वॉल्यूम तक एक्सपेंशन या कंप्रेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ भी जो भी एडियाबेटिक हमने कंप्रेशन किया है या एक्सपेंशन किया है, ठीक है ना, ठीक है, और जो हम आइसोथर्मल से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आइसोथर्मल में और एडियाबेटिक में वी आर एक्सपेंडिंग टू द सेम वॉल्यूम और वी आर कंप्रेसिंग टू द सेम वॉल्यूम, इसलिए ये वाला जो ग्राफ, ये वाला जो पॉइंट होगा पैरेलल में, ठीक है ना, राइट। अब मुझे बताइए, अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ फर्स्ट या सेकंड, इस बार कौन सा ग्राफ एडियाबेटिक का है और कौन सा आइसोथर्मल का है, फर्स्ट की सेकंड, एडियाबेटिक बताइए कौन सा है, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है, मुझे बताइए फर्स्ट क्या है, एडियाबेटिक की वो फर्स्ट एडियाबेटिक है, हाँ ठीक है, मुझे बताइए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे मुझे बताइए विच ग्राफ इज मोर स्टीपर, कौन सा ग्राफ ज्यादा स्टीप है, फर्स्ट की सेकंड, सेकंड ग्राफ इज मोर स्टीपर, फर्स्ट ग्राफ थोड़ा ग्रेजुअल है। तो मैंने क्या बताया था, जो ग्राफ स्टीप होगा, स्टीप कर्व होगा, वो क्या होगा, वो क्या होगा, एडियाबेटिक। तो सेकंड इज एडियाबेटिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब कंप्रेशन करेंगे आप, ये कंप्रेशन है, ये वी वन था और ये वी टू है, इस बार वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, तो जो ग्राफ स्टीप होगा, तो जब एक्सपेंशन करेंगे तो नीचे वाला ग्राफ आइसोथर्मल होता है, ऊपर वाला एडियाबेटिक होता है, लेकिन जब कंप्रेशन करेंगे तो चेंज रिवर्स हो जाएगा, ये ऊपर वाला एडियाबेटिक होगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टेल मी कि वर्क डन किसका ज्यादा है इस बार, इस बार वर्क डन किसका ज्यादा है, एडियाबेटिक का ज्यादा है आइसोथर्मल से, क्या यहाँ पे मॉड लगाने की जरूरत है, यस या नो, नो विदाउट मॉड, क्योंकि ये पॉजिटिव है, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंपैरिजन, ठीक है ना, ऑलराइट, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चों, कल मैंने बताया था अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो ये टी वन और ये टी टू है, तो मुझे बताओ अगर एक्सपेंशन करते हैं एडियाबेटिक तो T1 और T2 में क्या रिलेशन आएगा, कौन ज्यादा कौन कम, अगर एक्सपेंशन करेंगे तो, अगर एक्सपेंशन करेंगे तो T1 और T2 में क्या रिलेशन होगा, T1 ग्रेटर देन क्या होगा, T2, वेरी गुड मोहित, वाई मोहित, T1 इज ग्रेटर देन T2, वाई मोहित, T1 इज ग्रेटर देन T2, बिकॉज बिकॉज एक्सपेंशन में क्या होगा, कूलिंग होता है, क्या होता है, एक्सपेंशन में कूलिंग होता है, कल मैंने बताया था आपको, राइट, चाय वाला एग्जाम्पल, फूक मारते हैं, ठीक है ना, राइट, ठीक है, राइट। अगर अगर कंप्रेशन करते हैं तो T1 और T2 में क्या रिलेशन होगा, अगर कंप्रेशन करेंगे तो, एडियाबेटिक की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या रिलेशन होगा, T2 ग्रेटर देन T1 होगा। और अगर बच्चों में आइसोथर्मल एक्सपेंशन करता हूं, अगर मैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन करता हूं तो T1 और T2 में क्या रिलेशन होगा, इक्वल होगा, वेरी गुड, क्या होगा, इक्वल होगा, बिल्कुल सही। अगर मैं आइसोथर्मल कंप्रेशन करता हूं तो T1 और T2 में क्या रिलेशन होगा, अगर हम कंप्रेशन करते हैं तो भी क्या होगा, इक्वल। एक्सीलेंट बच्चों, एक्सीलेंट, क्लियर है बेटा, ये दोनों चीज मैंने यहाँ पे ये लिखी हुई है, कूलिंग करेंगे एडियाबेटिक तो T1 ग्रेटर देन T2 होगा, कंप्रेशन करेंगे तो T2 ग्रेटर देन T1 होगा, अगर आइसोथर्मल होगा तो कोई हीटिंग नहीं, कोई कूलिंग नहीं, T1 इक्वल टू क्या होगा, T2 होगा, राइट, ठीक है। अभी बच्चों मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था, ठीक है ना, कि क्या कहते हैं कि जो एडियाबेटिक का ग्राफ स्टीप होता है, स्टीप कर्व होता है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल, ठीक है ना, राइट। और कल मैंने इसका आपको थ्योरेटिकल रीजन भी दिया था कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जब एक्सपेंड करते हैं, ठीक है ना, तो उनके बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए दे हैव टू डू सम वर्क, कुछ वर्क करना पड़ता है उनको, इसको दूर 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 जाने में, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में। अब ये वर्क करने के लिए हम क्यू सप्लाई कर नहीं रहे, क्योंकि प्रोसेस बहुत फास्ट है, इसका मतलब ये जो वर्क हो रहा है
इसमें वर्क करने में इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, यूज हो रही है, तो इंटरनल एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, तो टेम्परेचर भी क्या करता है, डिक्रीज करता है, इसीलिए हाँ कूलिंग हो जाती है। इसीलिए जब एक्सपेंशन करते हैं आप, तो नीचे वाला ग्राफ क्या होता है, आइडियाबैटिक होता है, ऊपर वाला आइसोथर्मल होता है। तो ये देखा था हमने टी डैश बी और ये टी बी था। हमें पता है जो टी डैश बी है वो थोड़ा कम होता है किससे, टी बी से, ठीक है, ये कल हमने डिस्कस किया था। तो ऐसा क्यों होता, बताने जा रहा हूं कि वाई द ज्यादा स्टीप क्यों होता है एडियाबैटिक का मैथमेटिकली, ठीक है ना। तो ये तो कल हमने थ्योरेटिकली देखा था, नाउ वी आर सीइंग इट थ्योरेटिकली, राइट, सॉरी मैथमेटिकली अब हम देखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं, प्लीज इंपॉर्टेंट है ये भी, ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, हम काफी चीजें कवर करने वाले हैं आज। तो पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है ना। ये किस, ये प्रोसेस क्या है बच्चों, एडियाबैटिक की आइसोथर्मल, दिस इज एडियाबैटिक और आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, क्या है एडियाबैटिक, और पी वी की पावर कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ये क्या है रिवर्स आइसोथर्मल की एडियाबैटिक, ये क्या है आइसोथर्मल। तो अगर बच्चों मैं पी और वी का ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ये जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था, तो क्या मुझे बता सकते हैं स्लोप क्या होता है किसी कर्व का, इन फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल, इन फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल व्हाट इज द स्लोप, टेन थीटा, इन फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल। डू यू नो कि अगर ग्राफ वाई और एक्स के बीच में है तो डी वाई बाई डी एक्स इज नोन एज स्लोप, क्या आप जानते हैं स्लोप इज डी वाई बाई डी एक्स, यस, क्या है डी वाई बाई डी एक्स इज स्लोप। तो मुझे बताइए अगर ग्राफ पी और वी एक्सेस में, तो व्हाट इज द स्लोप, यहाँ हमारे लिए क्या स्लोप होगा, अगर पी और वी में ग्राफ है तो क्या होगा, डी पी बाय डी वी विल बी द स्लोप, ठीक है ना, राइट। तो इसका मतलब बच्चों जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका कर्व क्या होगा, ज्यादा स्टीप होगा कि नहीं होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका कर्व ज्यादा स्टीप होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल राइट, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हाँ, तो अब हम स्लोप निकालने जा रहे हैं किसका, आइसोथर्मल और इसका, राइट, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हाँ, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, थोड़ी सी मैथ्स लगा रहे हैं, देखिए यहाँ मैं आपको, ये आपको आता भी होगा आई थिंक सो, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगता है डिफरेंशिएशन का, क्या लगता है, प्रोडक्ट रूल लगता है, एक को डिफरेंशिएट करते हैं दूसरे को कॉन्स्टेंट करते हैं फिर प्लस लगाते हैं, एक को डिफरेंशिएट करते हैं सेकेंड को डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले आइसोथर्मल वाला देख लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा ईजी है। तो ये हो जाएगा, अगर पी को कांस्टेंट माने तो क्या होगा, डीवी प्लस वी को कांस्टेंट माने तो डीपी, और किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो, करेक्ट, ठीक है, राइट। तो इसको इधर ही रहने देते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, तो पी इन वी इंटू डीपी इज इक्वल टू पी इंटू डीवी हो गया। तो ये इधर गया माइनस, है ना, और ये इधर गया, इसको इधर भेज दिया वी को, तो ये हो गया dp बाय जो dv हो गया वो माइनस p बाय क्या हो गया, v हो गया। सो व्हाट इज द बच्चों स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, माइनस p बाय v, माइनस p बाय v, ठीक है, राइट। अब आइए देखते हैं उसका एडियाबैटिक का, देखते हैं क्या देखते हैं एडियाबैटिक का, तो pv की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। अब देखिए यहां भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो पहले P, राइट, मुझे बताओ बच्चों यहाँ पे क्या डिफरेंशिएशन लिखे हैं आप, क्या बताएं, यहाँ पे P को कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले व्हाट वी कैन राइट इट, गामा बाहर आएगा, वेरी गुड, गामा बाहर आएगा और V की पावर क्या हो जाएगा, गामा माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, राइट, और V की जगह क्या आएगा, dV आ जाएगा, क्या जाएगा, dV आ जाएगा, करेक्ट है, प्लस V की पावर गामा, और ये तो हो गया dP इक्वल टू जीरो हो गया, इसको इधर ही रहने देते हैं, तो v की पावर गामा इंटू डीपी, ये सब उधर चला गया, p गामा और v की पावर गामा माइनस वन इंटू डीवी, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले गए, तो dp बाय जो dv हो गया वो क्या हो गया, माइनस p गामा और v की पावर गामा माइनस वन अपॉन v की पावर गामा। तो मुझे बता सकते हैं बच्चों ये जो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे इसको जो सॉल्व करेंगे तो व्हाट इज dp बाय dv, कैन एनीबडी टेल मी, नहीं नीरज गलत आंसर है यार, बच्चों मैथ्स करो यार, आप लोग क्या कर रहे हो, माइनस पी क्यों आएगा, हद हो गई,
गलत कर रहे हो, कुछ आ ही नहीं रहा आप लोगों को। देखिए यहाँ माइनस पी क्यों आएगा, सब लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है राइट। माइनस पी है तो ये माइनस पी तो वैसे ही रहेगा, और ये गामा यहाँ देखिए सभी लोग, ठीक है। हाँ रक्षित ने बिल्कुल सही किया, वेरी गुड रक्षित, हाँ एक्सीलेंट बेटा, ठीक है राइट। और ये वी की पावर गामा, और इसको रख दिया वी की पावर माइनस वन लिख दिया हमने, और ये क्या हो गया वी की पावर गामा था, तो वी की पावर गामा, वी की पावर गामा कैंसिल हो गया, तो आया क्या ये गामा, और ये क्या चला गया पी, और वी की पावर माइनस वन तो कहाँ चला गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला गया, तो स्लोप क्या आ गया माइनस गामा पी बाय वी, माइनस गामा पी बाय वी इज द स्लोप, ठीक है। ठीक है प्लीज बेटा कैलकुलेशन थोड़ा सही करिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ ये स्लोप है एडियाबेटिक का, और ये जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये जो स्लोप आया, ठीक है पी बाय वी इज इक्वल टू माइनस गामा पी बाय वी आ गया, ये स्लोप है। तो स्लोप में सिर्फ इतना फर्क है, ये सिर्फ माइनस पी बाय वी है, और ये यहाँ भी माइनस पी बाय वी है, बट इसको किससे मल्टीप्लाई किया है, गामा से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है राइट। तो आसान है ये याद रखना, क्योंकि ये माइनस पी बाय वी है और ये गामा माइनस पी बाय वी राइट। अब देखिए क्या है बच्चों राइट, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, देखिए स्लोप ऑफ आइसोथर्मल इज माइनस पी बाय वी, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज माइनस गामा पी बाय वी, क्या है माइनस पी बाय वी, ठीक है राइट। नोट अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखिए जो गामा की जो वैल्यू होती है बच्चों वो ग्रेटर देन वन और लेस देन टू होती है, मतलब इट इज इन बिटवीन वन एंड टू। तो अगर क्या है गामा वन एंड टू के बीच में है, तो क्या मुझे बता सकते हैं किसका स्लोप ज्यादा होगा, किसका स्लोप ज्यादा होगा एडियाबेटिक का कि आइसोथर्मल का, एडियाबेटिक का ज्यादा होगा। सो देखिए यहाँ स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तभी उसका ग्राफ क्या था, एडियाबेटिक का ज्यादा स्टीप था एज कंपेयर टू बच्चों क्या आइसोथर्मल, ठीक है राइट। चलिए हाँ ठीक है। सो दिस इज द स्लोप कंपैरिजन बिटवीन आइसोथर्मल और एडियाबेटिक, और हमने वर्णन भी कैलकुलेट कंपेयर किया आइसोथर्मल और एडियाबेटिक का, ठीक है राइट। क्लियर है बच्चों राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने बच्चों फोर प्रोसेस सारे के सारे प्रोसेस पढ़ लिए हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था एक आइसोकोरिक प्रोसेस, फिर हमने पढ़ा था आइसोबैरिक प्रोसेस, फिर हमने पढ़ा आइसोथर्मल प्रोसेस, और फिर हमने पढ़ा एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो वी हैव लर्न ऑल द फोर प्रोसेस, ठीक है। अब मैं आपसे अगर देखता हूँ, देखते हैं कौन बताता है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, एन नंबर ऑफ टाइम्स पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बच्चों हम इनिशियल पॉइंट सेम से शुरू करते हैं, ठीक है ना राइट। तो यहां मैंने चार, देखिए हाँ मैं कर्व बना रहा हूं यहाँ पे एक राइट। मुझे ये बता सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछता हूँ ये पहला वाला ग्राफ कौन सा प्रोसेस है, फर्स्ट ग्राफ कौन सा प्रोसेस है इन आउट ऑफ फोर विच इज फर्स्ट प्रोसेस आइसोकोरिक, क्या है ये आइसोकोरिक, वेरी गुड, ठीक है ना। दिस सेकंड ग्राफ कौन सा है, सेकंड ग्राफ किसका है बैरिक का है, किसका आइसोबैरिक का है, क्या मुझे बता सकते हैं। थर्ड ग्राफ किसका है, थर्ड ग्राफ किसका है, थर्ड ग्राफ आइसोथर्मल का है, वेरी गुड। क्या मुझे बता सकते हैं फोर्थ ग्राफ किसका है, एडियाबेटिक का है, क्लियर है। अब मुझे यहां बताइए इस केस में हम एक्सपेंशन कर रहे हैं कि कंप्रेशन कर रहे हैं, मुझे ये बताइए हम एक्सपेंशन कर रहे हैं कि कंप्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सपेंशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं एक्सपेंशन कर रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। अब मुझे बताइए बच्चों कि किसका वर्क डन मैक्सिमम है आउट ऑफ दीज फोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका सबसे इंपॉर्टेंट है सेकंड का, फिर किसका सेकंड के बाद, सेकंड के बाद थर्ड का, थर्ड के बाद फोर्थ का, और फोर्थ के बाद फर्स्ट का, क्या यहाँ पे मॉड लगाना नेसेसरी है कि नहीं है, क्या ये मॉड लगाना मस्ट है कि नहीं है, आंसर इज यस।
दिस आंसर इज वैलिड ओनली व्हेन वी यूज द मॉड, ठीक है ना। वाय बच्चों सेकंड का सेकंड यू हैव टोल्ड द वर्क डन इज मैक्सिमम, वाय यू हैव टोल्ड द सेकंड, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व इज मैक्सिमम, वेरी गुड, ठीक है। सो ये बच्चों देखिए यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है, राइट, इट इज क्लियर टू यू बच्चों, ठीक है, राइट। अच्छा आप अगर आप मुझे गैस करके बता सकते हैं कि यही बच्चों अगर मैं इसका यही कंप्रेशन कर रहा होता, मैं कंप्रेशन का वर्क डन कैलकुलेट कर रहा होता मैं, तो क्या मुझे गैस करके बता सकते हैं किसका वर्क डन मैक्सिमम आता और किसका वर्क डन मैक्सिमम आता? एडियाबेटिक का मैक्सिमम आता, ओके, फर्स्ट का आइसोकोरिक का मैक्सिमम आता, फोर्थ का मैक्सिमम आता, फर्स्ट का मैक्सिमम आता, नहीं अभी भी सेकंड का ही मैक्सिमम आता, आइसोबैरिक का अभी भी मैक्सिमम आता, ठीक है, राइट। देखिए कैसे ये ग्राफ है, ये देखिए, अब यहां से हम स्टार्ट किए तो ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला जो फर्स्ट वाला, ये क्या है, दिस फर्स्ट इज इन, फर्स्ट इज आइसोकोरिक और बैरिक, ये क्या है, कोरिक है, ठीक है ना, ये क्या है, सेकंड है, सेकंड क्या है, बैरिक है, ये क्या है, बैरिक। अब आप कंप्रेशन कर रहे हैं तो कंप्रेशन में क्या होगा, ग्राफ ऐसे नहीं जाएगा, यहीं से ऐसे नहीं जाएगा, पहले प्रेशर बढ़ेगा फिर कंप्रेशन होगा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि आपने यहीं से ऐसे कर्व बना दिया, ऐसे ग्राफ बना दिया, ऐसे ये रॉन्ग होगा। पहले क्या होगा, इस प्रेशर पे कभी भी कंप्रेशन नहीं होगा, कंप्रेशन किस प्रेशर पे होगा, इस वाले प्रेशर पे कंप्रेशन होगा, कि जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तभी कंप्रेशन होगा, तो आपने पहले प्रेशर बढ़ाया फिर कंप्रेशन हुआ, तो दिस मींस इट इज एन बैरिक प्रोसेस, ठीक है ना। और ये जो थर्ड वाला, इस बार थर्ड वाला कौन सा है, थर्ड वाला कौन सा है, एडियाबेटिक है, क्या है, एडियाबेटिक है। और जो फोर्थ है वो क्या है, फोर्थ कौन सा है, आइसोथर्मल है, क्या है, आइसोथर्मल। तो मुझे बताइए अब क्या आंसर हुआ, क्या आंसर हुआ, व्हाट इज द आंसर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, सेकंड देन थर्ड देन फोर्थ देन फर्स्ट, ठीक है, राइट, विथ और विदाउट मॉड, विथ और विदाउट मॉड, विदाउट मॉड, क्लियर है बेटा, ठीक है, आप क्लियर है बच्चों की, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है बेटा, ठीक है। अब आइए बच्चों, हाँ ठीक है, अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करने जा रहे हैं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बेटा, हाँ ठीक है, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, रिवर्सिबल, जैसे हमने बाकी प्रोसेस को डिस्कस किया था, अगर आपको याद है, एक बार हमने जब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पढ़ा था, तो मैंने आपको रिवर्सिबल इरिवर्सिबल आइसोकोरिक के बारे में डिस्कस किया था, मैंने कहा था वहां पे आइसोकोरिक में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पढ़ने जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि वर्क डन जीरो है, तो वहां हमें इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइसोबैरिक में बोला था क्योंकि प्रेशर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा, तो प्रेशर अगर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है तो दिस मीन्स वी कैन एबल टू प्लॉट द ग्राफ, अगर हम प्लॉट ग्राफ कर पाएंगे तो इसका मतलब आइसोबैरिक के लिए इरिवर्सिबल एग्जिस्ट नहीं करता, सारे के सारे प्रोसेस भी क्या होंगे, रिवर्सिबल हो जाएंगे वहां पे भी, बट वर्क डन के फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमने कंपेयर किया था आइसोथर्मल को रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में, ठीक है ना, और उसके बाद फिर मैंने आपको वो डिफरेंट स्टेप्स में दिखाया था कि अगर वन स्टेप में करेंगे, टू स्टेप में करेंगे या फोर स्टेप में करेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, एडियाबेटिक के लिए भी डिस्कस वो कर रहे हैं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्या फर्क होगा, ठीक है, राइट। अब देखिए, देखते हैं कौन आंसर करता है, सोच के आंसर करिएगा, जल्दबाजी में मत रहिएगा, क्योंकि बहुत ही लॉजिकल है यहाँ, ठीक है। लेट सपोज, ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं, इरिवर्सिबल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इरिवर्सिबल कर रहे हैं, और पहले कंप्रेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पहले कंप्रेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, राइट। तो यहाँ पे क्या था, अचानक हमने बहुत बड़ा सा वेट रख दिया तो ये कंप्रेस हो गया, ठीक है ना, राइट। और यहाँ पे क्या किया हमने, रिवर्सिबल में हमने बहुत सारा सैंड पार्टिकल लिया हुआ है,
हमने यहाँ रख दिया, एक एक करके सैंड पार्टिकल रखते जा रहे हैं और स्लोली स्लोली हम कहाँ यहाँ पहुंच गए। ठीक है, क्या मुझे आप बता सकते हो इस बार जब कंप्रेशन करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, मुझे ये बताइए। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा कंप्रेशन में, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? आंसर इज यस। ठीक है ना, क्योंकि जब कंप्रेशन करते हैं एडियाबेटिक में तो मैंने बताया था हीटिंग होगी, क्या होगा यहाँ पे? हीटिंग होगी। ठीक है ना, हीटिंग होगी तो हीटिंग से टेम्परेचर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा बच्चों तो इंटरनल एनर्जी क्या करेगी? इंटरनल एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी? वो भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। अब देखिए यहाँ, लेट्स सपोज बच्चों इनिशियल टेम्परेचर इसका भी T1 था और यहाँ भी T1 था, ये इरिवर्सिबल है और ये रिवर्सिबल है, और दोनों का इनिशियल टेम्परेचर T1 था। अब ये जो T2 आया, ये T2 इरिवर्सिबल हो गया, या मैं इसको T2 लिख रहा हूँ और इसको T2- लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या मुझे आप बता सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, कि T2 और T2 में क्या रिलेशन होगा? क्या दोनों सेम होंगे या कौन ज्यादा कौन कम होगा? T2 is more than T2 dash. क्यों बच्चों? Why शांतनु? Why T2 is more than T2 dash? Anyone? रक्षित, why? अरे रवि बेटा, हाँ तो सडन से क्या होगा? Why सडन से क्या होगा? सडन कंप्रेशन से क्या होगा? Why? नहीं, क्यों तो सप्लाई कर ही नहीं रहे, आप लॉजिकल नहीं सोच रहे। मैंने जो बताया है आपको वो आप सोचिए ना, आप ये सब फालतू की बातें इधर उधर कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी उधर एनर्जी। क्या मैंने आपको एडियाबेटिक ऐसे पढ़ाया है काइनेटिक एनर्जी ये एनर्जी वो एनर्जी? वाय, ठीक है, आप सोच ही नहीं रहे। इंटर एनर्जी क्यों ज्यादा होगी? वाय ज्यादा होगी, रीजन नहीं पता, रीजन क्या है? ठीक है, मुझे बताइए किसका वर्क डन मैक्सिमम होगा, इरिवर्सिबल की रिवर्सिबल? जब कंप्रेशन करेंगे तब हुज वर्क डन इज मैक्सिमम इरिवर्सिबल के केस में? किसका वर्क डन मैक्सिमम, रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल? ठीक है, याद ही नहीं है बेटा आपको, इरिवर्सिबल वर्क डन कंप्रेशन के केस में मैक्सिमम होता है एज कंपेयर टू रिवर्सिबल। आपको बताया भी था मैंने, ये ऐसा है और ये ऐसा होगा। ठीक है, ये वाला ये एरिया अंडर द कर्व, तो ये जो प्रोसेस था ये इरिवर्सिबल था, और ये वाला जो है ये रिवर्सिबल है। तो किसका वर्क डन ज्यादा होगा? इरिवर्सिबल वर्क डन इज ग्रेटर देन रिवर्सिबल वर्क डन। और यहाँ मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब जब वर्क डन मैक्सिमम होगा तो अब आप क्यों तो बाहर जा ही नहीं रहे, क्योंकि आप सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हो, सिस्टम में एनर्जी सप्लाई कर रहे हो विथ मोड विथ हेल्प ऑफ वर्क। आप सिस्टम पे एनर्जी सप्लाई कर रहे हो विथ हेल्प ऑफ वर्क, और क्यों बाहर नहीं जा रहा? कोई भी हीट बाहर नहीं जा रही, तो किसमें स्टोर होगी वो? किसमें स्टोर होगी वो? इंटरनल एनर्जी में स्टोर होगी। तो इंटरनल एनर्जी चेंज, जो इंटरनल एनर्जी का जो इंक्रीज करेगा, जो चेंज इन एनर्जी होगा, वो किसका ज्यादा होगा? चेंज इन एनर्जी रिवर्सिबल की रिवर्सिबल का? इरिवर्सिबल का ज्यादा होगा किससे? रिवर्सिबल से। तो अब क्या था इस, ये क्या होता है NCV delta T, और ये भी NCV delta T। अब NCV कैंसिल हो गया, डेल्टा टी क्या हो गया? T2 minus T1, और ये क्या हो गया? T2 dash minus T1। तो कौन ज्यादा हो गया? T1 दोनों में कैंसिल हो गया, तो T2 greater than T1 T2 dash हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो प्लीज हाँ, जो मैंने बताया आप वैसे सोचिए। आप पता नहीं यहाँ वहां की बातें क्या करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। ठीक है ना, आप फर्स्ट लॉ पे जाइए, फर्स्ट लॉ आपको आंसर देगा इसका। ठीक है, सिस्टम को क्रैक करिए कि क्या है यहाँ पे, क्या आपने दिया है, क्या गया है और क्या स्टोर हुआ है, इस पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे एनर्जी बैलेंस लगाइए इस पे, बस कोई फालतू की इधर उधर की बातें नहीं सोचिए, गैस स्टेट भूल जाइए। ठीक है, राइट, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है
इन केस ऑफ कंप्रेशन इरिवर्सिबल वर्क डन इज ग्रेटर देन रिवर्सिबल वर्क डन, ठीक है, इरिवर्सिबल वर्क डन ज्यादा होता है, ये मैंने पहले ही बताया था आपको, एज कम्पेयर टू रिवर्सिबल वर्क डन। तो वर्क डन ज्यादा हुआ, अब वर्क डन अगर ज्यादा हुआ तो क्यू तो बाहर जा नहीं रहा है, सिस्टम में आप सिस्टम में आप वर्क कर रहे हो और वर्क कर रहे हो बाहर कुछ जा नहीं रहा, तो सारी की सारी किसमें, जिसमें ज्यादा वर्क करोगे उसमें ज्यादा एनर्जी जाएगी, तो इसमें एनर्जी ज्यादा जाएगी और वो एनर्जी बाहर तो कुछ निकल नहीं रही है, इसका मतलब सारी की सारी स्टोर हो रही है। ये तो ऐसी बात होगी ना, यहाँ आपके फादर ने आपको 1000 रुपए दिए, यहाँ आपके फादर ने 500 रुपए दिए, और किसी दोनों बच्चों ने, रक्षित ने और रवि ने, दोनों ने खर्च नहीं किए, तो किसकी पॉकेट में ज्यादा पैसे होंगे, किसका चेंज इन एनर्जी ज्यादा आएगा, किसका चेंज इन एनर्जी ज्यादा आएगा, रक्षित का ज्यादा होगा, क्योंकि आपने दोनों ने कुछ क्या किया, कुछ परचेजिंग नहीं करी, तो जब कुछ बाहर जा ही नहीं रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, चेंज रक्षित में ज्यादा होगा। अब यही अगर ऐसा होता, ठीक है ना, कि इसमें 1000 दिए, इसमें 500 दिए, ठीक है ना, यहां से कितना निकल गया, यहां से 750 निकल गया और यहां से कितना निकल गया, 250 निकल गया। आप चेंज बताइए किसका ज्यादा है, इससे 750 निकल गया, इसके 250 निकला, तो किसका चेंज ज्यादा है, कि सेम है, सेम है। तो अगर सेम हुआ तो प्रोसेस कौन सा हुआ, अगर सेम हुआ तो प्रोसेस कौन सा हुआ, आइसोथर्मल हुआ। क्या हुआ, आइसोथर्मल, क्योंकि आप दोनों की इंटरनर्जी क्या होगी, सेम होगी, चेंज इन एनर्जी क्या है दोनों की, सेम है, तो सेम है तो टेम्परेचर सेम हुआ, तो टेम्परेचर सेम हुआ तो आइसोथर्मल हुआ। क्लियर है बच्चों, ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, राइट, ठीक है। तो देखिए, तो इरिवर्सिबल, तो जो इरिवर्सिबल का जो इंटरनर्जी चेंज होगा वो भी ज्यादा होगा रिवर्सिबल से, तो T2 dash, यहाँ देखिए इरिवर्सिबल को बच्चों में T2 dash मान रहा हूँ, इरिवर्सिबल को मैंने T2 dash माना हुआ है फाइनल टेम्परेचर, ठीक है, राइट। तो ध्यान रखिएगा, T2 dash इज इरिवर्सिबल फाइनल टेम्परेचर, और T2 तो रिवर्सिबल का था, तो ये चेंज दो, ये ज्यादा होगा क्योंकि NCV दोनों का कैंसिल हो जाएगा, और ये T1 कैंसिल हो गया, तो T2 dash ग्रेटर देन T1 हो गया, तो T irreversible ग्रेटर देन T reversible होगा। तो याद रखेंगे, मोर हीटिंग विल बी किसमें होगी, मोर हीटिंग विल टेक्स प्लेस इन इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल में ज्यादा होगी, क्या होगी, इरिवर्सिबल में, क्यों, क्योंकि इरिवर्सिबल भी प्रोसेस क्या होता है, और भी बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा फास्ट होता है। तो अगर आप इस पिस्टन को बार बार बहुत फास्ट कंप्रेस करेंगे और एक पिस्टन को थोड़ा धीरे कंप्रेस कर रहा है, तो किसका टेम्परेचर ज्यादा, ये जब बैरल आप को छुएंगे तो किसका टेम्परेचर ज्यादा आपको महसूस होगा, फर्स्ट का ज्यादा महसूस होगा, तो ये जो टेम्परेचर इरिवर्सिबल है वो ग्रेटर देन क्या होगा, रिवर्सिबल, ठीक है। आप देखता हूं मैं, आप कौन बताता है, अब अगर मैं यही एक्सपेंशन करता हूं, क्या करता हूं, एक्सपेंशन करता हूं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में, तो क्या मुझे बता सकते हैं इस बार किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, टी रिवर्सिबल ज्यादा होगा किससे, टी इरिवर्सिबल से, ठीक है, क्या कह रहे हैं आप लोग, टी रिवर्सिबल ज्यादा होगा किससे, टी इरिवर्सिबल से, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना, मैंने पहली बोला था बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, क्यों नहीं है, आप देखिए यहाँ इसका रीजन देखते हैं। देखिए, जब आपने एक्सपेंशन किया, ध्यान से देखेंगे, जब आपने एक्सपेंशन किया, ठीक है ना, तो मुझे बताइए अगर मैं मॉड लगाता हूं तो किसका वर्क डन ज्यादा होता है एक्सपेंशन में, रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल, किसका वर्क डन ज्यादा होता है, रिवर्सिबल का वर्क डन ज्यादा होता है। तो मुझे बताएं, जब एक्सपेंशन होगा तो कूलिंग ज्यादा किसमें होगी, कूलिंग ज्यादा किसमें होगी, कूलिंग ज्यादा किसमें होगी, रिवर्सिबल में मोर कूलिंग होगी एज कंपेयर टू किसमें, इरिवर्सिबल में, क्योंकि एक्सपेंशन से क्या होगा, कूलिंग होगा। तो अब क्या होगा, ये देखिए, ये T2 minus T1, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसमें कूलिंग ज्यादा होगी, तो ये क्या हो जाएगा, NCV delta T। तो अच्छा, मैं अभी पूछता हूं, DE रिवर्सिबल और DE इरिवर्सिबल, अगर कूलिंग ज्यादा होगी तो ये कौन सा ज्यादा हुआ, रिवर्सिबल ज्यादा हुआ कि इरिवर्सिबल ज्यादा हुआ, Δe कौन सा ज्यादा हुआ,
इरिवर्सिबल ज्यादा हुआ भैया, रिवर्सिबल क्यों ज्यादा हुआ यार? आप लोग पता नहीं क्या समझ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये सिस्टम था, ठीक है ना, आपने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है ना, ठीक है, राइट। रक्षित के पास 1000 रुपीज थे, ठीक है ना, राइट। इसके फादर ने इसको कुछ भी पैसे नहीं दिए इस बार, ठीक है ना, और रक्षित ने परचेजिंग कर दी 500 रुपीज की। और रवि ने क्या करा, रवि के पास 500 रुपीज थे, रवि ने जो परचेजिंग करी, ठीक है ना, राइट, इसने करी 750 रुपीज की परचेजिंग कर दी। और इसके पास 500 रुपए थे रवि के पास, राइट, या इनिशियल हम कहें इसके पास भी 1000 रुपए थे, इनिशियल दोनों के पास सेम थे, ठीक है ना। इसने जो परचेजिंग करी वो सिर्फ 500 रुपीज की करी, तो किससे ज्यादा एनर्जी निकली है, इससे ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, क्योंकि किसी के फादर ने पैसा दिया नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, कूलिंग ज्यादा, चेंज इन एनर्जी किसका, इसका क्या होगा, इरिवर्सिबल का ज्यादा होगा, किससे, रिवर्सिबल से ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर डिक्रीज कम होगा, यहां पे टेम्परेचर डिक्रीज ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो 1000 रुपए थे, दोनों के जो 1000 रुपीज थे, ये 1000 रुपीज क्या था, इंटरनर्जी था। आप, इसने वर्क डन किया 750, इसने वर्क डन किया 500, तो इसका मतलब क्या होगा, किस पे ज्यादा पैसे बचे रहेंगे, किसके पास पैसे ज्यादा बचे रहेंगे फाइनल में, रवि के पास। तो इसका मतलब क्या होगा, इरिवर्सिबल क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, रिवर्सिबल से। तो इसका मतलब क्या होगा, जो T2- जो T1 होगा, ये इरिवर्सिबल था, वो क्या होगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, T2- T1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, तो दिस मींस क्या हो जाएगा, जो T2- होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, T2 होगा। तो इस बार फिर से क्या होगा, इस बार फिर से क्या होगा, इन केस ऑफ एक्सपेंशन रिवर्सिबल वर्क डन इज ग्रेटर देन इरिवर्सिबल वर्क डन। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मॉड लगा रखा है। सो दिस इज मोर कूलिंग विल टेक्स प्लेस इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस देन इरिवर्सिबल। तो अगर मोर कूलिंग होगा तो इसका इंटरनर्जी रिवर्सिबल का ज्यादा होगा इरिवर्सिबल से। सो दिस मीन्स फिर से क्या होगा, T2- ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। दिस मीन्स T इरिवर्सिबल ग्रेटर देन क्या होगा, T रिवर्सिबल होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाँ, तो चाहे एक्सपेंशन करें चाहे कंप्रेशन करें, ध्यान रखेंगे टी इरिवर्सिबल हमेशा ही ज्यादा होगा टी रिवर्सिबल से। लेकिन दोनों का रीजन अलग अलग है, वहां पे हीटिंग भी, यहाँ पे क्या हुआ, कूलिंग हो गई। तो हीटिंग होने से टेम्परेचर बढ़ गया रिवर्सिबल का, ठीक है ना, और यहाँ पे एक्सपेंशन में कूलिंग होने की वजह से क्या हो गया, रिवर्सिबल बढ़ गया, सॉरी रिवर्सिबल कम हो गया। बात क्लियर है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप कंप्रेशन कर रहे हैं, कंप्रेशन में जो T2- ग्रेटर देन T2 हो गया ड्यू टू हीटिंग हो गया, क्योंकि आपने यहाँ वर्क ज्यादा किया, यहाँ पे आपने वर्क ज्यादा किया, वर्क ज्यादा करने से, लेकिन ये वर्क ने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ा दिया, और वर्क ज्यादा किसका हुआ, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल का वर्क ज्यादा हुआ, इसलिए टेम्परेचर ज्यादा हो गया। लेकिन एक्सपेंशन में कूलिंग हो गई, अब कूलिंग क्या हो गया, कूलिंग ने क्या करा, रिवर्सिबल में कूलिंग ज्यादा होगी, तो इसका जो टेम्परेचर है वो कम हो गया, और T2 अपने आप बड़ा हो गया, फिर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल अपने आप फिर से ज्यादा हो गया। क्लियर है बच्चों? चलिए, हाँ आप देखिए, हाँ आप, देखता हूं मैं कौन बताता है मुझे, अगर मुझे बताइए। देखिए बच्चों, अगर मैं, देखिए इरिवर्सिबल प्रोसेस, हाँ ध्यान से सुनेंगे, अगर मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस को, लेट्स सपोज हमने पहले 1 स्टेप में किया, अगर अब मैं सेकेंड 2 स्टेप में या 4 स्टेप में कर रहा हूँ, मैं नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाता हूँ, ठीक है ना, राइट। तो मुझे बताइए, अगर मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एडियाबेटिक एक्सपेंशन कर रहा हूँ, पहले हमने 1 स्टेप में किया, दूसरी बार 4 स्टेप में किया, तो मुझे बताओ कूलिंग इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई होगी, कूलिंग इंक्रीज हुई होगी कि डिक्रीज हुई होगी। कूलिंग क्या हुई होगी, इंक्रीज हुई होगी, क्योंकि क्या होगा, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाओगे तो प्रोसेस क्या होता जाएगा, रिवर्सिबल होता चला जाएगा,
और रिवर्सिबल होगा तो वर्क डन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एक्सपेंशन के केस में वर्क डन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है ना, राइट। और क्या होगा एक्सपेंशन में, क्या होगा, पूलिंग बढ़ती चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, लेट सपोज ये ग्राफ है लेट सपोज 10 स्टेप का। तो अगर मैं 15 अगर मैं ये 10 स्टेप का ग्राफ बना रखा है एडियाबेटिक एक्सपेंशन का, तो 15 स्टेप का क्या होगा, ये वाला होगा कि ऊपर वाला होगा कि नीचे वाला होगा, 15 स्टेप का नीचे वाला होगा, क्योंकि नीचे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है ना कि ऊपर। ऊपर वाला तो हो जाएगा 8 स्टेप का और नीचे वाला क्या होगा, 15 स्टेप का। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाते जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज करता चला जाएगा, क्यों, क्योंकि और ग्राफ क्या होता चला जाएगा, नीचे जाएगा, क्यों, क्योंकि आप जैसे जैसे आप टेम्परेचर नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाएंगे प्रोसेस किधर जाता जाएगा, रिवर्सिबल हो जाता जाएगा। और वर्क डन रिवर्सिबल क्या होता है, मैक्सिमम होता है, तो इसलिए कूलिंग भी आपको मैक्सिमम मिलेगी और टेम्परेचर डाउन भी आपको सबसे कम मिलेगा, सबसे टेम्परेचर कूलिंग भी सबसे ज्यादा होगी तो इसका अंदर टेम्परेचर डिक्रीज भी मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है व्हेन नंबर ऑफ स्टेजेस ऑफ इरिवर्सिबल इंक्रीजेस ड्यूरिंग द एडियाबेटिक एक्सपेंशन देन कूलिंग विल इंक्रीजेस देयरफॉर टेम्परेचर विल डिक्रीजेस देयरफॉर टेम्परेचर विल डिक्रीजेस। तो आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे इस ग्राफ में, ये जो ग्राफ है ये वाला जो आपको दिख रहा है, इसमें T1, T2, T3 में क्या रिलेशन है, T1, T2, T3 में क्या रिलेशन है, इफ यू एबल टू सी इट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1, T2, T3। सबसे क्या है, T1 ग्रेटर देन है, फिर T2, फिर T3, तो T3 सबसे कम है T1। हाँ बिल्कुल सही। तो मुझे बताओ किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स यूज हुए होंगे, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स किसमें यूज हुए होंगे, थर्ड में, वेरी गुड, किसमें, थर्ड, राइट। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ स्टेजेस, देखिए यहाँ पे लिखा मैंने ना, जैसे नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ाते जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज करता जाएगा। यही बच्चों जब हम कंप्रेशन करेंगे तब क्या होगा, यही मुझे बताएं, जब कंप्रेशन करेंगे तब क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब टेम्परेचर क्या करेगा, अब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर, क्यों, क्योंकि जब आप कंप्रेशन करते हैं तो वर्क डन इरिवर्सिबल ज्यादा होता है वर्क डन रिवर्सिबल से, सॉरी उल्टा नहीं होगा, सॉरी यहाँ ध्यान से देखेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वर्क डन इरिवर्सिबल ज्यादा होता है किससे, रिवर्सिबल से, हाँ डिक्रीज करेगा, बिल्कुल सही है। अब आप नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ा रहे हैं तो वर्क डन क्या होता जाएगा, वर्क डन कम होता चला जाएगा। तो वर्क डन कम होगा तो हीटिंग भी क्या होती जाएगी, हीटिंग भी क्या होती जाएगी बच्चों, वर्क डन कम होगा तो हीटिंग भी कम होती जाएगी, तो टेम्परेचर भी क्या होता चला जाएगा, टेम्परेचर भी क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अगर मैं अगर आपसे पूछता हूं, देखिए यहाँ ये, ठीक है ना, ये है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो मुझे बताइए किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स यूज हुए होंगे, फर्स्ट सेकंड की थर्ड में, अरे रोहन बेटा थर्ड में, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इस बार सबसे कम किसका है, थर्ड का टेम्परेचर सबसे कम है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स किसमें यूज होंगे, थर्ड में, राइट। तो ये वाला ग्राफ है, देखिए ये वाला, जब कंप्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, तो यहाँ ग्राफ विल मूव डाउनवर्ड और यहाँ ग्राफ विल मूव, दोनों में ही ग्राफ डाउनवर्ड मूव होगा, नीचे ही आएगा दोनों टाइम में। और यहाँ पे ये लिखा हुआ, एज नंबर ऑफ स्टेजेस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस इंक्रीजेस ड्यूरिंग द एडियाबेटिक कंप्रेशन वर्क डन डिक्रीजेस हेंस द हीटिंग विल ऑल्सो लेस, तो हीटिंग भी कम होगी, देयरफॉर इंक्रीज इन टेम्परेचर विल डिक्रीजेस, मतलब जो टेम्परेचर इंक्रीज करना था वो भी उतना इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है, राइट, क्लियर। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर ग्राफ, अगर मैं आपसे पूछता हूं, देखिए यहां अगर मैंने दो गैसेस ले रखी, बच्चों गैस वन है और गैस टू है, राइट, लेट्स सपोज गैस वन का गामा 1.5 है और इसका गामा 1.8 है, ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं कौन सा ग्राफ वन और कौन सा ग्राफ टू है, किसका, कौन सा ग्राफ वन है, कौन सा ग्राफ टू है, ऊपर वाला ग्राफ किसका है, वन का है कि टू का है, ऊपर वाला ग्राफ वन का है कि टू का है, वन का ग्राफ है, क्यों, क्योंकि क्या होता है, स्लोप, स्लोप क्या था, स्लोप इज माइनस गामा पी बाई वी, तो इसका मतलब स्लोप किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, तो ग्राफ ज्यादा स्टीप होगा, किसका, इसका, तो जो नीचे वाला ग्राफ है वो क्या है,
गैस टू का ग्राफ है, क्या है गैस टू का, और ऊपर वाला ग्राफ किसका है गैस वन का ग्राफ। तो याद रखेंगे बच्चों, अगर गामा इंक्रीज करता है तो ग्राफ नीचे मूव करता चला जाएगा, ग्राफ क्या जाता जाएगा नीचे, स्टीप होता चला जाएगा ग्राफ, विल बी मोर स्टीपर, ठीक है। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ देखिए कैसे क्यों ऐसा हो रहा है, देखिए ध्यान से, अगर मैं इसका इसका अगर मैं स्लोप बनाता हूँ, स्लोप क्या होता है बच्चों, टेंजेंट। तो आप देखिए ये है ना, तो ये वाली जो एक्सेस है, ये वाला जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये बढ़ता चला जाएगा, ये परपेंडिकुलर क्या है, ये बढ़ता चला जाता है, जब स्टीप होता जाता है तो ये इंक्रीज करता चला जाता है, तो इसीलिए क्या होगा ग्राफ क्या होता जाएगा मोर स्टीपर होता जाएगा। तो जैसे जैसे गामा बढ़ता जाएगा ग्राफ नीचे जाता जाएगा। प्लीज ये ग्राफ बना लीजिएगा, मैंने ये ग्राफ बनाया नहीं है यहाँ पे, तो यू शुड मेक इट, आई हैव रिटन इट बट यू शुड ऑल्सो मेक इट। गामा इंक्रीजेज इन द ग्राफ विल मूव डाउनवर्ड एज द स्लोप इंक्रीजेस, क्योंकि स्लोप क्या था माइनस गामा पी बाय वी था, माइनस गामा पी बाय वी, ठीक है। मैंने ग्राफ नहीं बनाया, मैं पहले बोल रहा हूँ यू शुड मेक द ग्राफ, राइट। ग्राफ क्या होगा, ये वाला ग्राफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये वाला ग्राफ हो जाएगा। तो आप सेम यही ग्राफ बनाएंगे, बट क्या लिखेंगे यहाँ पे कि गामा क्या करेगा, अगर गामा इंक्रीज करता है तो ग्राफ नीचे मूव होता चला जाएगा, ठीक है। नाउ टेल मी बच्चों हाउ मच टाइम इज लेफ्ट ओवर, ठीक है राइट। चलिए बच्चों, हाँ ठीक है राइट, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, ठीक है राइट। किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज ही और सी कैन आस्क। हाँ मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे शांतनु ने कॉल किया था, ठीक है ना। एनीबडी शांतनु यू आर इन क्लास और नॉट, शांतनु यू आर इन क्लास और नॉट, नहीं यस। शांतनु ने मुझसे पूछा था कि इंटरनल जो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। इंटरनल एनर्जी इज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ, ठीक है, ये हमेशा सही नहीं है, दिस इज नॉट ऑलवेज राइट। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ये स्टेटमेंट तभी सही होगी व्हेन यू आर डीलिंग विद ओनली विद आइडियल गैस। अगर आप आइडियल गैस के साथ डीलिंग नहीं कर रहे हैं देन इंटरनल एनर्जी विल नॉट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज सम ऑफ ऑल द एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन द सिस्टम। बट आइडियल गैस में क्या होता है, हम ये मानते हैं कि उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, दिस मीन्स उसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। बट ठीक है, अगर कभी भी रियल गैस है, ठीक है ना राइट, तो कभी भी आप इंटरनल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी नहीं बोलेंगे। सो दैट स्टेटमेंट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, दैट इज ट्रू ओनली इन पर्सपेक्टिव ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। शांतनु यू गॉट द आंसर, ठीक है। लास्ट अभी आपको बस थोड़ी देर में मैं अपलोड कर रहा हूँ वो लेक्चर, जो कल का लेक्चर है, यू विल गेट इन शॉर्टली राइट, एंड मीनवाइल आई विल सेंड यू द नोट्स बेटा, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू।